चलो रोल हम देख रहे हैं कि सारे फैंस यहाँ पर पहुँच चुके हैं, एमसी स्टैन के फैंस कहीं ना कहीं आते हैं। आपका नाम बताइए। बॉलीवुड के भाईजान है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो अभी तो फैंस को हम देख रहे हैं बिग बॉस के घर के बाहर, क्या कहना चाहोगे? इतने सारे पोस्टर्स हैं, इन सभी पोस्टर्स में कुछ तो कमी लग रही है, आप ही बता दो क्या है वो कमी? कोई एक कंटेस्टेंट की कमी है भाई, बता दो एक तो। प्रियंका ना, और कौन? प्रियंका को ऑब्वियसली जो हम लोग जिसके फैन है उसको ही लेके आएंगे ना। चोर अब क्यों फैन हो? रीजन बिहाइंड दैट फैन तो कुछ नहीं है। रीजन क्या देना चाहोगे? well, आपने बिग बॉस देखा होगा इसलिए आप इतने बड़े फैन हो, राइट? तो फिर क्या आपको अच्छा लगा है एमसी स्टैन के परफॉर्मेंस में? एमसी स्टैन ने जो कुछ है स्टैन रियल खेला है और सारे कंसिस्टेंट से बहुत टफ दिया है, तो मेरे ख्याल से स्टैन ही बेहतर रहेंगे आज के गेम। अगर उनका कोई डायलॉग पूछा जाए, अगर आप बोलना चाहो तो, जो हमेशा हस्ती गास्ती सेमड़ी ओनली वन ही, एक ही डायलॉग फेमस है सेमड़ी। आपने शिव का लिया है पोस्टर, शिव के बारे में क्या कहना चाहोगे? कहीं ना कहीं शिव को बोला जा रहा था कि मंडली में एक साजिद सर के पीछे पीछे आए हो, फिनाले तक पहुंच गए हो, उस पर क्या कहना चाहोगे? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, क्यों तो मुझे मालूम है कि शिव नहीं तो एमसी स्टैन दोनों से एक कोई तो जीतेगा। तो मंडली में तो पता है ये दोनों में से कोई एक जीतेगा, एक जीतेगा। क्यों लड़कियां नहीं जीत सकती? नो रीजन रीजन तो आज सेवन कल नहीं सेवन आर सी बचे कि दोनों जन स्टैंड सलमान सर तो बीच में रहेगा सीयू और एमसी स्टैन। और मानो अगर अर्चना आती है और साथ में प्रियंका आती है तो फिर भी आपका सपोर्ट क्या होगा? दिस इज द लक लक है ये तो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी के मन में तो एक अच्छी भावनाएं रहती है ना हर किसी के लिए। या प्रियंका मैम ऑफ कोर्स प्रियंका जीतेगी। अगर देखना चाहे तो आप बोल रहे गर्ल्स पावर, तो गर्ल्स पावर तो प्रियंका मैम भी रह सकती है ऐसे देखने का। अर्चना तो नो सॉरी। वोटिंग पे वो पांचवे नंबर पे जा रही है ना, सबसे लास्ट में अर्चना। अर्चना हाँ, क्यों ऐसे? कुछ रीजन है उसके पीछे? रीजन है वो इतना किरकिर करती है इसके वजह से। एमसी क्या, एमसी तो विनर होने वाला है वो, इसलिए क्योंकि उसको जनता का इतना प्यार मिला है उसके। अगर उसको बोलते हैं जैसे बिग बॉस में कि वो कुछ नहीं करता, सोते रहता है, काम नहीं करता वगैरह वगैरह, उसकी हम लोग की फॉलोइंग इतनी अच्छी है कि वो उसको विनर बनना ही बनना है, समझ गए? अगर एमसी स्टैन अगर जीता है तो आप सभी उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे मैसेज? जीतेगा तो ऑब्वियसली तो हम लोग को यही प्रेयर है कि विनर एमसी स्टैन ही रहे। हम लोग यही वेट कर रहे हैं, मॉर्निंग 11 o'clock से आए स्टैंड का ही वेट कर रहे हैं कि जीते और मैसेज पहुँचाए, बिकॉज इधर बहुत से फैंस रहेगी उसके, आप लोग में भी सब फैंस रहेगी ऑब्वियसली, तो किसी का भी लक चेंज हो सकता है, नहीं तो शिव नहीं तो एमसी, दोनों में से। मैं चाहता हूँ कि एमसी स्टैंड जीते और सबके लिए एग्जांपल सेट करे कि नीचे से भी आदमी बहुत ऊपर जा सकते हैं, बिकॉज उसको मोटिवेट बिग बॉस से। एक वो ऑलरेडी सिंगर है, इज द रैपर, इज द अंडरग्राउंड रैपर, वो ऑलरेडी ऐसे भी कोई भी इंसान फेमस रहते ही है, बट बिग बॉस से कैसे वो मोटिवेट करना चाहता है कि मैं नीचे से ऊपर आ सकता हूँ। और ये लाइफ में सबको मैसेज है कि मेरे को भी मैसेज है, सबको इधर जितने भी जन उनको सबको मैसेज है कि स्टैंड स्टैंड है। स्टैंड का कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है? या स्टैंड बस्ती का अस्थि ब्रो, और एक दिन प्यार, दूसरे दिन तो एट करे, तीसरे दिन तो वार, चौथे दिन तो पेट। अगर दोनों में से अगर कोई एक जीतता है तो आप उसको नेक्स्ट कौन से रियलिटी शो में देखना पसंद करते हैं? रियलिटी शो ऑफकोर्स बहुत से जन रहेंगे अभी, बहुत से या बहुत से जन है। क्या आपने प्रोमोज देखे? बहुत सारे प्रोमोज बाहर आए हैं उनके, डांस एंड यूजुअल्स के, एक मंडली का भी, मंडली का भी एक साथ में, एक साथ एक जैसे डेनिम वेयर में आया है पिक्चर, या मीन भी आए उनके बहुत सारे, राइट? और फिल्म सिटी में आज ये हो रहा है एंड ऑल, आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिला है? हमको इन्फॉर्मेशन पहले हम लोग तो ऑपोजिट कहाँ से भी आ सकते हैं, ये मैसेज तो हम लोग यहाँ आना इतना आसान नहीं होता। आपने क्या कुछ संघर्ष किए हैं वो? बहुत सारे किसी को झूठ भी बोला, स्टैंड सॉरी, बहुत जन सॉरी फॉर पैर, सब कैसे भी आना पड़ा बट आना पड़ा, बिकॉज इसके लिए तो सब कुछ है ना। देखो ऐसे नहीं कि मॉम डैड को छोड़ के, ये तो बोलते ही है सबके पहले कि फैन तो दिल से ही है इसके, कट्टर फैन है, बट
आए तो कैसे भी आए, बस आए, जरूर आए स्टैंड के लिए। कोई नहीं स्टैंड का रहेगा पोस्टर लेके, बट हम लोग फुल सपोर्ट है स्टैंड, बाहर ही हम लोग जिधर है ऑल टुगेदर लाइक चीयर्स फॉर एमसी स्टैंड पी टॉम बेबी सेमडीस स्टैंड, लव यू स्टैंड, लव यू स्टैंड, आप जीतोगे, हम लोग आपको सपोर्ट करें और आप ही विनर रहोगे। पीछे है हम लोग, पीछे है बाहर खड़े हैं हम लोग, हम ही पण तुमच्या मागे है। हां दोनों के पीछे हम ही पण तुमच्या मागे है, दोस्त भाई, दोघे जण है, एक तो जीतेगा, दोघे जण है, दोघांपैकी एक तरी कोणतरी है ना, पण येणार जरूर। थैंक यू, थैंक यू सो मच।